इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1। फर्स्ट सम दिया हुआ है जो हमारे मैथ के अंदर दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तीन पार्ट दिए हुए इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर 135 और 225 के एचसीएफ निकालना है हमें, सेकंड पार्ट के अंदर 196382220 इसका एचसीएफ निकालना है, और थर्ड पार्ट 867 और 255 के बीच में एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मीन्स है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिसके जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए और वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से पहले हमें डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए, और डिवीजन कैसे करेंगे, जो लार्जर नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से 135 ये डिवाइड किया, 135 वन पे चला गया, टू पे वैल्यू लार्जर हो जाएगी, 5 - 5 जीरो, 12 - 9 90 बच गया। अब ये 135 लार्जर है, 90 स्मॉलर है, तो हम जो वैल्यू लार्जर है उसको तो डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से, 1 पे डिवाइड होगा, 90 बन जा 95, 13 - 9 45। अब जो हमारा बचा है बड़ी वैल्यू 90, क्योंकि इसको हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, 2 पे चले जाएगा, 45 - 90 0। अब जहां पे भी रिमाइंडर जीरो बचेगा वहां पर हम जो जिस वैल्यू से हमने डिवाइड किया है वो होगा एचसीएफ। अब यूक्लिड डिवीजन कैसे यूज करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर क्या है, जो लार्जर नंबर है उसको हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे एज इट इज। जैसे ये 135 वन पर चला है, मतलब 1 × 135 का, और प्लस रिमाइंडर 90। अब जो लार्जर नंबर बचा है उसको हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, रिमाइंडर 90 × 1 से डिवाइड किया, प्लस 45। अब जो रिमाइंडर जीरो नहीं आया अभी तक, अभी जो लार्जर नंबर है उसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से 45। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा रिमाइंडर जीरो। जहां पर रिमाइंडर जीरो आ जाता है वही जिससे हमने डिवाइड किया है वो होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड पार्ट के अंदर ऐसा ही, जो लार्जर नंबर है उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 38220, 196 से डिवाइड करेंगे, ये स्मॉलर नंबर है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 196, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो नंबर लार्जर हो जाएगा, तो 1 पे ही चलाएंगे हम, 1 से डिवाइड करेंगे, 12 - 6 6, 17 - 9 8, 2 - 1 1, कैरी 2। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 9 पे, 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 51 और 5 86, 9 1 9 और 8 70 डिवाइड किया, 12 - 4 8, 5 - 15 - 6 90। अब यहां पर कुछ नहीं बचा, तो 0 हमने नीचे उतार दी। अब 196 अगर 5 पे चलाते हैं तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है ये। अब यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, जिससे हमने डिवाइड किया था वो होगा हमारा एचसीएफ 196, क्योंकि जहां जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं अगर वो रिमाइंडर जीरो आ जाए उस पर डिवाइड करने के बाद, तो हमारा एचसीएफ वही होता है। यूक्लिड डिवीजन को कैसे यूज करेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम कैसे के अंदर क्या करते हैं, हम जो लार्जर नंबर है 38220 उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से 196 पे। अब ये डिवाइड होता है 195 पे, पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो बचता है। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो जिससे हमने डिवाइड किया है वही हमारा एचसीएफ होगा 196। ई आंसर है इसके अंदर 45 आंसर था। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट के अंदर 867 लार्जर नंबर है, उसको हम डिवाइड करेंगे 255 से। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं या 3 से डिवाइड करेंगे, 4 पे तो लार्जर हो जाएगा लेकिन 3 पे स्मॉलर नंबर है, 5 3 = 15, 1 5 3 = 15 1 16, 1 कैरी, 3 2 = 6 और 1 7, 7 - 5 2, 15 - 6
सिक्स माइनस सिक्स जीरो, एट माइनस सेवन वन। अब ये स्मॉल नंबर स्मॉलर है, ये लार्जर है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो जिससे हमने डिवाइड किया था उसको हम डिवाइड करेंगे अब रिमाइंडर से। वन जीरो टू से डिवाइड करेंगे, ये टू पे डिवाइड होगा, अब रिमाइंडर बच गया फाइव माइनस फोर वन फाइव एज इट इज। अब वन अंडर जीरो, वन अंडर टू लार्जर नंबर है 51 से, अब वन अंडर टू को हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, 51 टू जा 102, ये आ गया हमारा जीरो। अब यूक्लिड डिवीजन को कैसे करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसके अंदर क्या करना है, जो लार्जर नंबर है 867, इसको हम डिवाइड करेंगे 255 से, 3 पे डिवाइड होगा प्लस रिमाइंडर 102। अब जीरो रिमाइंडर नहीं आया, जब तक जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, 255 लार्जर है, ये रिमाइंडर से डिवाइड होगा 102, ये 2 से डिवाइड होगा प्लस 51 रिमाइंडर, अभी भी जीरो नहीं आया, तो लार्जर नंबर को हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आया या जिसे हमने डिवाइड किया डिवाइडर, डिवाइडर को हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, अब 0 रिमाइंडर आ गया है, तो जिसे हमने डिवाइड किया था वही हमारा एचसीएफ होगा। फर्स्ट सम के अंदर तीनों के अंदर एज इट इज ऐसा ही करना है, जिससे हमने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो वही हमारा एचसीएफ होता है। सेकेंड सम, सेकेंड सम के अंदर दिया हुआ है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 सॉरी, सो दैट द, इसने कहा है कि कोई ओड पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर इसकी फॉर्म में होना चाहिए 6q+1 6q+3 6q+5। अब हम किसी एक इंटीजर को लेट कर लेते हैं, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर ए, कोई भी हमने लेट कर लिया, वो इसकी फॉर्म में लेट करेंगे, जैसे 6q+ प्लस रिमाइंडर r हमने लेट कर लिया, ये पूरा हमने इंटीजर लेट कर लिया, यहाँ पे क्या भी इंटीजर है और r भी इंटीजर है, जो r की वैल्यू होती है वो होती है रिमाइंडर, रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड करते हैं जीरो से लेकर, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे एक नंबर पीछे तक रिमाइंडर आता है, 2, 3, 4, 5, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 0, 1, 2, अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक डिवाइड होगा, क्योंकि 9 आने के बाद तो 9 में 9, 0 रिमाइंडर आ जाएगा वहीं पर। अब हम यहाँ पर रिमाइंडर जो रिमाइंडर बचा हुआ है वहां पर वैल्यू पुट करेंगे आर की, और तो चेक करेंगे कि या जो इंटीजर आया है वो ओड है या इवन है। अब 0 पुट कर दिया हमने तो ये आ गया 6q से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q, अब 2 जिसके अंदर कॉमन है तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो है इवन। नेक्स्ट 6q+1, 6q+1 के अंदर से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो ये है ओड। 6q+2, इसके अंदर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q+1, अब जिसके अंदर 2 कॉमन होगा तो वो होगा इवन। 6q+3, इसके अंदर से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, 3 कॉमन आएगा तो वो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो ओड है, तो 6q+3 वो होगा ओड। 6q+4, इसके अंदर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q+2, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये है इवन। लास्ट बचा हुआ 6q+5, इसके अंदर से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते तो 6q+5 एज इट इज, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से तो ये होगा ओड। अब हमें ओड बताने थे, ओड ओड ये तीनों ओड है, 6q+1 की फॉर्म में है, 6q+3 की फॉर्म में है, 6q+5 की फॉर्म में, ये तीनों हमारे ओड है, तो आंसर आएगा हमारा 6q+1 6q+3 6q+5 ऑल आर ओड पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट सम है, एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मास बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, 32 मेंबर्स का एक बैंड दिया हुआ है, जैसे हम ये 32 नंबर्स एज इट इज ऐसे 32 मान लेते हैं, तो 32 नंबर्स के बैंड के पीछे 616 मेंबर्स को हमें इकट्ठा करना है, तो ये निकालना है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स के अंदर, कॉलम होते हैं ये, कॉलम होते हैं जो टॉप टू बॉटम होते हैं, और ये होते हैं रो,
तो इसने पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे जिसके अंदर वो मार्क्स कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर निकालना, तो हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे दोनों के अंदर से। तो क्या करेंगे, 616 इसको हम 32 से डिवाइड करेंगे, 32 वन जा 32, रिमाइंडर 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 2, कैरी 6। अब ये चलेगा 8 पे, 8 से डिवाइड करते हैं हम, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24, 1 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28। अब रिमाइंडर आ गया हमारा 8 16 माइनस 8, 8 रिमाइंडर आ गया। अब ये 32 से छोटा है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो 32 को इसके अंदर डालेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे तो 32 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया 0। जिस पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है वही होता है हमारा एचसीएफ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर। फोर्थ सम के अंदर हमें निकालना है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्केल ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म। इसने कहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम स्केल करते हैं तो वो इस फॉर्म में आएगा, एम कोई इंटीजर है यहां पे, तो हम एक इंटीजर लेट कर लेते हैं, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर एक कोई भी हमने लेट कर लिया, वो इसकी फॉर्म में लेट करेंगे, 3m की जगह पे हम क्यू क्वोशेंट रख देंगे और r रिमाइंडर रख देंगे। r क्यू और r यहाँ पे इंटीजर है और r की वैल्यू कहां तक होगी, अगर 3 के फॉर्म में है तो 3 से डिवाइड होगा तो 0 1 और 2, ये हमारे रिमाइंडर आएंगे। अब हमें ये शो करना है कि अगर हम रिमाइंडर 0 1 2 रखते हैं और इसका स्केयर करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी फॉर्म में होगी, 3m और 3m+1, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। तो पहले हम a के अंदर वैल्यू रखते हैं 3q+r, r को अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये आएगा 3q और इसका हमें स्केयर करना है तो 3q का स्केयर आएगा 9q2। तो ये अगर हम इसके अंदर से 3 कॉमन ले लें 3q2, तो इसको हम m लेट कर सकते हैं क्योंकि 3 भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, तो ये पूरा इंटीजर हो जाएगा और m हमारे पास इंटीजर दिया हुआ है तो ये आएगा 3m की फॉर्म में और m हमारे यहाँ पर है, जो m हम कंसीडर करते हैं उसकी वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे m = 3q2। सेकंड a के अंदर हम 3q+ रिमाइंडर की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, इसका स्केयर करेंगे a स्केयर, 3q+1 का स्केयर क्या आएगा, a+b का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, तो ये आएगा 9q2 + 1 + 6q। अब हम इन दोनों के अंदर से 3 कॉमन ले सकते हैं तो 3 यहां पे बचेगा 3q2 और यहां पे बचेगा प्लस 2q, प्लस जो बची हुई है वैल्यू 1 वो लिख देंगे एज इट इज। अब ये इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो होल आर इंटीजर, तो इसको हम n कंसीडर कर देंगे, 3m+1 m क्योंकि यहां पे एक इंटीजर दिया हुआ है और यहां पर हम m की वैल्यू लिख देंगे m = 3q2 + 2q। थर्ड पार्ट के अंदर क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है r उसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे क्योंकि 0 1 हम पहले ही पुट कर चुके हैं, 3q+2 इसका स्केयर करेंगे, 3q+2 का होल स्केयर, तो a+b का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो हम इसको अगर सोल्व करते हैं पूरा, 9q2 + 4 + 3 2 जा 6 2 जा 12q। अब 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3+1 की फॉर्म में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 9q2 + 3 + 4 + 12q। अब इसके अंदर से और इसके अंदर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3q2 + 4q प्लस इसकी जगह पे बचेगा 1 प्लस जो वैल्यू हमारी बची हुई है वो एज इट इज लिख देंगे। अब 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो ऑल आर इंटीजर, तो हम इसको लिख देंगे m
प्लस वन, और जो एम की वैल्यू है हमारी वो है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो हमने जो कंसीडर किया था कि जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव इंटीजर को स्केयर करने के बाद वो आएगी 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में, तो ये आई है फर्स्ट 3m, सेकंड 3m प्लस 1, थर्ड 3m प्लस 1। तो कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे r की 0, 1, 2 में से, तो वो सभी इसी की फॉर्म में आएंगी 3m और 3m प्लस 1। नेक्स्ट सम है हमारा फिफ्थ सम। फिफ्थ सम भी एज इट इज जैसा ही है फोर्थ की तरह ही, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एन, उसके अंदर स्केयर दिया हुआ था, इसके अंदर क्यूब है और ये किसकी फॉर्म में, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में आना चाहिए कोई भी वैल्यू अगर हम रिमाइंडर की पुट करते हैं। तो इसका हम लेट अ पॉजिटिव इंटीजर ए, इसको हम लेट कर लेते हैं 9m की जगह पे क्यू प्लस r रिमाइंडर, और r की वैल्यू कहां से कहां होगी, क्योंकि क्यू और r हमारे इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, तो हो ए टोटल इंटीजर होगा। आर की वैल्यू हमारी आएगी अगर 9 से डिवाइड करते 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 9 क्यू प्लस आर रिमाइंडर 0 पुट कर दिया, इसका हमें क्यूब करना है क्योंकि क्यूब बोला गया है इसके अंदर, पिछले सम के अंदर स्केयर था, तो ए का क्यूब करेंगे 9 क्यू क्यूब, तो यह आएगा 729 क्यू क्यूब, इसके अंदर से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 81 क्यू क्यूब। अब 81 भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो क्यू क्यूब का भी इंटीजर होगा, तो होल आर इंटीजर, तो यहाँ पर हम इसको m कंसीडर कर लेंगे क्योंकि m यहाँ पर एक इंटीजर है, तो और जो हमने m की वैल्यू कंसीडर की है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये था फर्स्ट। अब सेकेंड के अंदर क्या करेंगे, सेकेंड के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू हम 0 हमने पुट कर दिया, अब 1 पुट करेंगे 9 क्यू प्लस 1, और इसका करेंगे हम क्यूब 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब। अब a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 9 क्यू का क्यूब होगा 729 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 9 9 81 81 3 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 27 127 क्यू। अब हम इसके अंदर से और इसके अंदर से 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो 9 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा हमारा 9 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पे बचा है 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस जो बची हमारी वैल्यू 1 वो एज इट इज लिख देंगे। अब इसको हम इंटीजर कंसीडर कर लेंगे क्योंकि 81 भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, 27 भी इंटीजर है, क्यू स्क्वायर भी, 3 भी, क्यू भी, तो होल आर इंटीजर, तो इसको हम एक इंटीजर कंसीडर कर लेंगे 9m, और इसको एज इट इज लिख देंगे 9m प्लस 1, और जो हमें m कंसीडर किया है उसकी वैल्यू लिख देंगे 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट हम करेंगे a इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2, अब हम इसका क्यूब करना है 9 क्यू प्लस 2 का क्यूब, तो a प्लस b का क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करना ठीक है, अगर नहीं करनी है तो एज इट इज लिख सकते हैं 9 3 27 27 2 54 54 क्यू मल्टीप्लाई 9 क्यू प्लस, इसको लिखते हैं 9 3 27 27 2 54 54 2 108 क्यू। अब हम इसके अंदर से और इसके अंदर से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लिया हमने, यहाँ पे बचा 81 क्यू क्यू प्लस यहाँ पे बचा 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचा 12 क्यू, और जो हमारी वैल्यू बची है 8 वो ले देंगे। अभी ये सारे इंटीजर हैं तो हम इसको लिख देंगे 9m प्लस 8, जो हमने m कंसीडर किया है, m इक्वल टू 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू।
अब हम तीन पुट कर चुके हैं, बाकी और किसी को भी पुट करेंगे जो वैल्यू आएगी हमारी वो इसी की फॉर्म में आएगी, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये तीनों इसी की फॉर्म में आएगा जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, कोई भी हम करके देख सकते हैं, ये आप करके देख लेना अगर करना है तो, नहीं यहाँ पर इतना सफिशियंट है।